अस्सलाम वालेकुम। अभी जो 9 वर्जन आया ना आसानों का, इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले ना मीरा कास्ट का ऑप्शन आता होता था LCDs के अंदर, आप अपने आप मोबाइल कनेक्टिविटी वो सब कुछ कर सकते साथ इसके साथ। लेकिन अभी इसके अंदर एक न्यू फीचर आया कि उसमें आप ई शेयर सर्विस है, ये आप ऑन करें अपने फ़ोन के अंदर, इसका लिंक डाउन कर लें, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये आप ऑन कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके फ़ोन के अंदर डिजिटल में है ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ से स्कैन करके QR ये यहाँ से ये नीचे ऑप्शन आ रहा है QR स्कैन का, यहाँ से आप स्कैन कर लेंगे इसको। स्कैन करेंगे तो आपको ये लिंक दे देगा। लिंक देने के बाद आपने अपने फ़ोन के अंदर ई शेयर को ओपन करना है, ये नीचे आ जाएगा। मिररिंग यूज़ करनी है आपने, इनके जो फ़ोन पे चला रहे हैं उसके ऊपर चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मिररिंग नहीं मैंने चलानी, मैं इसको कंट्रोल लेना चाहता हूँ उसका LED का अपने फ़ोन के अंदर, आपने ये रिमोट कंट्रोल पे ओके करना है, ठीक है। अभी ये देखिएगा, होम का बटन प्रेस किया, यहाँ से ये सारी LED कंट्रोल होगी। अब ये होम के बटन से, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको आगे पीछे मूव करना है कर्सर को, तो यहाँ से ऊपर नीचे अप डाउन, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने प्ले करनी है, अब यूट्यूब मैंने प्ले करनी है, तो यहाँ से मैं ओके करूँगा फ़ोन से ही। अभी मेरी फाइल है, और इसके बाद यहाँ से तो हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट राइट, ठीक है। नीचे और भी एक ऑप्शन है टच का, तो यहाँ से टच में जाएंगे तो यहाँ से टच का ऑप्शन आ जाएगा। इनके फ़ोन सारा, जब पूरी LED आपके ये जो फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है इसकी, माउस आपका इस पर क्लिक करेंगे माउस पे आ जाएगा। उसके बाद एयर कमांड, ठीक है। ये देखें जैसे मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ वो कर्सर भी वैसे ही मूव कर रहा है। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, ये मैंने ओके करना है यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे डिमांड इसकी होगी कमांड सारी ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं होम का बटन प्रेस करूँगा तो ये मैं बैक पे होम पे चला जाऊँगा, यहाँ पे भी मैं अपने फ़ोन के साथ इसका सारा कर्सर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ई शेयर जो सॉफ्टवेयर है ना उसके साथ है ये वाला मेरा।